वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। ये एक SMPS जो प्रिंटर पे था उसको मैं थोड़ा सा समझाने जा रहा हूँ, ताई चलते हैं वीडियो। ये हमारे पास एक SMPS जो आ जाया था ब्रदर का, उसको हमने रिपेयर किया। सबसे पहले आप इसमें देखिए क्या चीज़ है। यहाँ पर देखिए न्यूट्रल फेस है, और न्यूट्रल फेस से सबसे मेन चीज़ क्या है, यहाँ पर आपका ये कंटिन्यूटी पे आप लेंगे तो आप देखेंगे ये फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक है। इसको पीछे से भी ट्रेस करता हूँ, यहाँ पर फ्यूज़ है। फ्यूज़ के बाद आप देख पा रहे होंगे ये लाइन फिल्टर है, MOB है, और ये डायोड लगे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, AC से DC करेंगे। यहाँ पर कैसे स्थिति है देखिए, यहाँ से आपका एक लाइन ये फ्यूज़ लेके आ रहा है, और एक इस पर डायरेक्ट क्या होगा MOB से फिर लाइन फिल्टर पे आएगा। तो इसको हम देखते हैं ट्रेस करके न्यूट्रल और फेस को। इसको ये देखिए आप, ये लाइन यहाँ से ये यहाँ पे आई, यहाँ पे आने के बाद ये आपका ये लाइन फिल्टर है, ठीक है। और ये MOB लगा न्यूट्रल और फेस के बीच में। और दूसरी लाइन देखेंगे आप, एक लाइन ये देखिए पूरी यहाँ तक, दूसरी लाइन ये देखिए यहाँ से ये फ्यूज़ है, यहाँ पे आया है, और यहाँ से ये यहाँ पे आ गया, ये MOV से होता हुआ यहाँ पे आया। देख पा रहे होंगे आप इसी तरह से यहाँ पर क्या है पूरा यहाँ पे लगा हुआ है। ये दो लाइनें चल रही हैं, एक इसके साथ और एक ये इसके साथ। अभी लाइन फिल्टर पे आने के बाद देखिए, लाइन फिल्टर है, लाइन फिल्टर यहाँ पर आप देखेंगे 4 लेग्स का, 1 2 3 4, तो ये आमने सामने बीप करेगा। आप देखेंगे ये हमने इसको ऐसे रखा, अगर ये इधर क्रॉस में बीप कर रहा है तो मतलब शॉर्टिंग है। इसके बाद देखेंगे आप तो डायोड लगा है, तो डायोड का ये AC एंड है, और ये क्या है DC एंड, और यहां से कहां जाएगा ये कैपेसिटर में, कैपेसिटर पर 350 वोल्ट। इसके बाद ये कैपेसिटर क्या करेगा, यहाँ पर ये देखिए ट्रांजिस्टर MOSFET, और फिर ये ट्रांसफार्मर, इसमें AC पल्सेज आएंगी, AC पल्सेज के बाद फिर डायोड के थ्रू फिर क्या होगा, ये आउटपुट की सप्लाई पूरी DC बन जाएगी, ठीक है। इसको मैं दिखाता हूँ आपको, ये ऑप्टोकपलर लगा है, ये लगे हैं जेनर डायोड। ये बेसिकली जेनर क्यों कहा जाता है, रिवर्स में काम करते हैं, तो इनका एक रिवर्स में क्या होता है जेनर वोल्टेज होता है, जिसके बाद क्या होता है ये खराब हो सकते हैं। तो इसको हम देखिए पावर सप्लाई लगा के पूरा मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो पावर सप्लाई लगाते समय सबसे पहले हमें क्या रखना है, AC वोल्ट। ये देखिए मैं अब इसको पूरा कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, ये इसको हमने यहाँ पर ले लिया है। यहाँ पर इसमें पावर सप्लाई लगाएंगे। अब ये डेंजरस काम है, थोड़ा सा संभाल के करिए, या किसी टीचर के साथ ही काम करिए, जब तक अनलेस एंटिल आपकी अच्छी प्रैक्टिस ना हो। तो सबसे पहले क्या मिलना है यहाँ पर, AC। देखिए अब यहाँ पर AC है, मैंने इसको 600 पे रखा हुआ है, देखिए 230 वोल्ट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब ये 230 वोल्ट ये लाइन फिल्टर पे भी आएगा, तो यहाँ पर भी संभाल के आपको रखना है। ये लाइन फिल्टर पे यहाँ पर आपका न्यूट्रल फेस है, देखिए ये 230, और यहाँ भी क्या आएगा 230, ठीक है। ये डायोड की लाइन भी कितनी रहेगी 230, इसको भी संभाल के यूज करना एकदम, ठीक है। और फिर ये डायोड AC से क्या करेगा यहाँ पर DC, तो मैं इसको वापस कहाँ लगा रहा हूँ, DC 600 पे, यहाँ भी आपको संभाल के काम करना एकदम। तो ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर लगा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर अभी हम इसको या तो यहाँ चेक कर लें, देखिए 350 आ रहा है, और ये कहाँ पे जाएगा कैपेसिटर पे, 300 कितना दिखा रहा है 12, और वही का वही 312 यहाँ दिखा रहा है, सवा 300 लोड कर रहा है। इसके बाद यहाँ से ये आगे की प्रोसेस क्या हो रही है ये मैं आपको पलट के दिखाता हूँ। यहाँ पर आप पकड़े इस एरिए को ना पकड़े, ये लिया हमने। इसके बाद यहाँ पर देखिए कैपेसिटर ने स्टोरेज का काम किया, ट्रांजिस्टर ने इसको AC पल्सेस देगा, और ये फिर ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करके यहाँ से क्या करेगा कैपेसिटर लगा, और ये आउटपुट वोल्टेज यहाँ से आएंगे। तो ये आउटपुट वोल्टेजेस भी मैं आपको चेक करा देता हूँ, इसको मैंने 20 पे रख लिया है, और यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए आया वोल्टेज, ये अलग अलग वोल्टेज दिखाएगा, इसको हम 200 पे कर लेते हैं, देखिए 33 वोल्ट,
जो रिक्वायरमेंट होगी प्रिंटर की उस हिसाब से वोल्टेज क्या करेगा यहाँ पर बना देगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 तो उसका आप क्या कर सकते हैं उसको भी डिटेल में चेक कर सकते हैं कि किस तरह से उसके अंदर इंटरनल कैसे काम हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको पूरा एक एक चीज डिटेल के साथ हम कराते हैं ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना रहे। तो ये यही आज इसमें हमने रिपेयर किया था और ये रेडी हुआ था। तो ये पावर सप्लाई से रिलेटेड ये वीडियो था। तो इसके अलावा किसी भी आईसी की अगर आप डेटा शीट निकाल लेते हो, जैसे कोई भी आईसी हो उसकी डेटा शीट अगर आपको मिल जाए, तो डेटा शीट वो चीज होती है जो आईसी का इंटरनल स्ट्रक्चर, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट पहले बननी है क्या बाद में बनना है वो सब बताने का काम करती है। तो डेटा शीट स्कीमेटिक डायग्राम आपको कनेक्शन बता सकता है, लेकिन इसका जो डेटा शीट है वो आपको ये बता सकता है कि पहले क्या बाद में क्या मिडिल में क्या, वो सारा फिर डेटा शीट से पता चलता है। तो ये था वीडियो। वीडियो का अच्छे लग रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोर्सेज के लिए रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।